रवीना टंडन अपनी दूसरी पारी में लगातार दमदार रोल करते हुए नजर आ रही है। इसी फेहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है गाइस, पटना शुक्ला का। जी हाँ दोस्तों, पटना शुक्ला के जरिए रवीना टंडन यहाँ पर शिक्षा में हुए घोटाले के गंभीर मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को कितना कामयाब तरीके से वो उठा पाई है या नहीं, आइए बात करते हैं डिटेल में। लेकिन यार गाइस, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना। पटना शुक्ला की कहानी के बारे में बात करें तो तन्वी शुक्ला यानी कि यहाँ पर रवीना टंडन अपने पति यानी मानव बीच की हर एक ज़रूरत का बखूबी ध्यान रखती है। साथ ही साथ वो एक अच्छी माँ भी है जो कि अपने बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करती है, उनको स्कूल की बस तक छोड़ने जाती है। इसके अलावा वो सेशन कोर्ट के अंदर एक महिला वकील भी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन महिला होने के कारण उनकी डिग्री की कोई कद्र करता नहीं है, उनके पास हमेशा कोई ना कोई उठपटांग केस ही जाता है। लेकिन एक दिन गरीब लड़की होती है गाइस, एक रिंकी, जिसका केस काफ़ी पेचीदा वहाँ पर होता है, और वो रिंकी रवीना टंडन से अपना केस लड़ने के लिए कहती है। रिंकी का यहाँ पर दावा होता है कि यूनिवर्सिटी ने उसकी मार्कशीट को बदल दिया है। जी हाँ गाइस, जहाँ उसे फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए था वहीं वो उसको यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया है। रिंकी को जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पर रवीना टंडन दिन रात एक कर देती है। जैसे जैसे रवीना टंडन केस की वो स्टडी करती है और आगे बढ़ती है, उसके सामने यहाँ पर शिक्षा को लेके कई सारे काले सच और घोटाले सामने आते जाते रहते हैं। क्या वो रिंकी को इंसाफ दिला पाएगी और क्या इस गंभीर मुद्दे को के काले पर्दे को सच सबके सामने ला पाएगी, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर विवेक बुड्डा कोटी ने यहाँ पर शिक्षा घोटाले जैसा एक अच्छा मुद्दा उठाया है। गंभीर विषय को मनोरंजन कोर्ट ड्रामा के रूप में पेश करने की एक अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन कहानी और स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं यार कमी नज़र आती है। फिल्म के अंदर हमें देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर जब ड्रामा चल रहा होता है तो वहाँ पर ज़ोरदार दलीलें जिस तरह से दी जानी चाहिए वो वहाँ पर मिसिंग होती है। केस का जो घटनाक्रम होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मेलोड्रामेटिक कहीं ना कहीं लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रवीना टंडन ने यहाँ पर तन्वी शुक्ला के कैरेक्टर में जिस तरह से जान डाली है, सच में बाजी मार ली है। उन्होंने अपने एक्टिंग का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ाया है, जिस तरह से इमोशंस दिखाए हैं, जिस तरह की फैमिली वूमन का कैरेक्टर प्ले किया है, जिस तरह का एडवोकेट का जो एटीट्यूड है वो भी उन्होंने अच्छे तरीके से प्ले किया है। रिंकी का रोल करने वाली अनुष्का कौशिक ने भी यहाँ पर भाई साहब अपनी अदाकारी से दिल जीतने में कामयाब रही है। सतीश कौशिक साहब ने यहाँ पर एक जज का कैरेक्टर प्ले किया है और उन्होंने अपने अभिनय की यहाँ पर अमिट छाप छोड़ी है। एक सहज अभिनय किया है और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी उनसे लगाव हो जाता है, क्योंकि आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है गाइस। सो गाइस, ये OTT पे कौन से पे आई है तो गाइस बता दूँ आपको, ये डिज्नी प्लस Hotstar के ऊपर आई है। और गाइस अगर इसको रेटिंग की बात करें तो इसको 3 out of 5 stars दिया जाता है। लेंथ इसकी ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 घंटे की ही ये मूवी है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी और कसावट होती, इसके डायलॉग का अगर थोड़े और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ लिखे गए होते तो ये एक और मनोरंजन मूवी कर बन सकती थी। लेकिन फिर भी जिस तरह का सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्टर ने उठाया है उसको मद्देनजर रखते हुए इस मूवी को एक बार तो देखा जा ही सकता है। सो दोस्तों, ये था पटना शुक्ला का रिव्यू। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।